I often say, if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. And I have the great privilege of being able to do that. अगर हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात देखें तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे दोनों मुल्कों में ना है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर होगी। और वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आए। मैं कई दफा कोशिश करता हूँ आपको सोमालिया के साथ कंपेयर करूँ, वो भी आपसे बेहतर लगता है। कांगो कहता हूँ कई दफा, वो भी आपसे बेहतर लगता है। मैं हैरान हूँ। आप देखें कि इंडिया जब कोई उधर बड़े सरमायेदार का नुकसान होता है तो वो $100 बिलियन तक का हो सकता है, जैसा कि अंबानी का हुआ। बिल्कुल, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि इंडिया जो है वो एशियन कंट्रीज की इकॉनमी को लीड करेगा, मतलब एशियन कंट्री में वाहिद इंडिया की कंट्री होगी जिसकी इकॉनमी तेजी से ग्रो करेगी। देखिए, इस वक्त हमारी 250 मिलियन है, 25 करोड़, ये डबल होकर 50 बनेगी, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800। ये फौज अपने किसी बंदे को तनहा नहीं छोड़ती, तो ये जो पाकिस्तानी है ये सारे यतीम हैं, ये किसी के बंदे नहीं है, ये पता नहीं कुछ जानवर हैं, भेड़ बकरियां हैं। आपका एक सिपाही इतना अहम हो गया कि आपने पूरा जाके थाने की ईंट से ईंट बजा दी, जिसका मतलब यह है कि कोई सूरत ही नहीं बनती है कि पाकिस्तान अपने गुर्बत के मसाइल हल कर सके, कि यहाँ लोग अमन की जिंदगी गुजार सके। लेकिन इस बयान के पीछे जो ज्यादा वजह नजर आती है वो जियोपॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है। आप ओरिजिनली दुनिया के मैप के ऊपर रहने की सलाहियतें बिल्कुल, आप यू डोंट डिजर्व टू बी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। द पैशन ऑफ द बिलीफ ऑफ द पर्पस ऑफ द पीस दैट यू लिव इन द वर्क दैट इज डन बाय आईपीई एंड द कोलैबोरेशन बिटवीन सो मेनी ऑफ अस दैट आर लकी टू कॉल इंडिया आवर होम फॉर अ पीरियड ऑफ आवर लाइव्स। I often say, if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. And I have the great privilege of being able to do that every single day. नमस्कार दोस्तों, जैन। भारत में अमेरिका के राजदूत एरी गार्सेटी का कहना है कि भारत में रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में एरिक ने कहा, अगर आप भविष्य देखना और महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत आइए, अगर आप भविष्य की दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको भारत जरूर आना चाहिए, यहाँ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अमेरिका और भारत के रिश्तों का जिक्र करते हुए गार्सेटी ने कहा कि अमेरिका प्रशासन भारत के साथ रिश्तों को मजबूत अहमियत देता है। उन्होंने कहा, हम यहाँ पढ़ाने और उद्देश्य देने नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ सुनने और सीखने आते हैं। अमेरिकी दूत का यह बयान ऐसे समय पाया है जब 2024 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ 8% रहने का अनुमान जताया गया है। एरी गार्सेटी ने बचपन में भारत में बिताए दौरे के बारे में भी बात की और कहा कि भारत के साथ उनके गहरे भावनात्मक संबंध हैं, इसे उनकी आत्मा ने कभी नहीं छोड़ा। गार्सेटी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश दोहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें बताया है कि भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश रहा है और इस सदी में नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के समक्ष दुनिया की व्यवस्था को आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जय हिंद। यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आए और इंडिया आकर देखें। और ये यूएस की जानिब से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात देखें तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे दोनों मुल्कों में ना है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर होगी। और वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आएँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इंडिया इतना डेवलप है कि उसमें अपना फ्यूचर देखा जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि ऑल दो इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 ईयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आएँ। फ्यूचर देखा जा सकता है, जो हमें सुनने को मिलता है
जितना मेरा नॉलेज है, जैसे मैं ऑडिट फील्ड का हूँ और हमें जो टेक्नोलॉजी डाटा एनालिटिक्स या आईटी रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज हैं, हम वो देखते हैं कि इंडिया को आउटसोर्स कर दी गई हैं काफ़ी, तो काम तो काफ़ी चल रहा है इंडिया में अच्छा। और जहाँ तक बात है कि डेवलपमेंट आपने देखनी है, तो इंडिया में प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं, तो इकोनॉमिकली उनके जो डिसीजन लिए गए हैं फाइनेंस के, उन्होंने डिसीजन अच्छे लिए हैं। तो और जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टोटली उन पर देखा जा रहा है, इस पर डायरेक्ट बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें वो मिलती हैं जो इंसिडेंट्स या वो हमें जो सुनने को बातें मिलती हैं कि आईटी रिलेटेड सोर्स जो है, जो सर्विसेज सेक्टर है ख़ासतौर पे, वो उधर देखने को मिलता है। और आप अगर इंडिया के रिजर्व लेवल देखो, वो $600 मिलियन हैं उनके पास। जब एक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो क्यों नहीं अपने प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे चलाएंगे? हमारी जब गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है, तो वो क्या प्रोजेक्ट चला सकते हैं? ना वो डैम बना सकते हैं, ना वो कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ना कोई इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा मुल्क नीचे जाता जा रहा है और इंडिया ग्रो ऊपर करता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि इंडिया जो है वो एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को लीड करेगा, मतलब एशियन कंट्री में वाहिद इंडिया की कंट्री होगी जिसकी इकॉनमी तेज़ी से ग्रो करेगी। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए, इन्फ्लेशन रेट या करेंसी डीवैल्यूएशन की बात है, तो इंडिया बेहतर चल रहा है। हर चीज़ ख़त्म है इनके ऊपर। आप सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर बहुत अरसे के बैंकरप्ट हो चुके हैं। आप ओरिजिनली दुनिया के मैप के ऊपर रहने की सलाहियतें बिल्कुल, आप यू डोंट डिजर्व टू बी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब पूछे वो किस तरह, एक वाक्य मुझे एक छोटी सी आज मुझे बता दे, आप में और गाजा में क्या फर्क है? उधर इसराइल मार रहा है, यहां पे आप खुद एक दूसरे को मार रहे हैं, वो फर्क है आपका? एक डाकू दूसरे को मार रहा है, दूसरा डाकू जो बड़ा डाकू जिसके पास बड़ी गन है वो दूसरे को मारता है यहां पे। बल्कि मुझे उस पर एक और चीजों पे भी एतराज है, कई चीजों पे एतराज है। एक एतराज तो मैंने रिसेंट देखा है कि हमारी मुस्लिम इमिग्रेशन जहां भी गई है, पता नहीं लोगों को डरा क्यों रही है। हर शहर के अंदर 100-100 मस्जिदें हैं, लेकिन ईद पढ़ने के लिए सड़कों के ऊपर पढ़ते हैं नमाज। वो लोकल डर रहे हैं, लोग क्यों कहें क्यों हो गया ये, वो कहते हैं इतने अच्छा। फिर दूसरा मुझे समझ नहीं बिल्कुल इस चीज की आ रही। कल मुझे एक क्वेश्चन किया गया, मैं लोकल टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा व्हाई ऑल दिस मुस्लिम्स दे वांट टू लिव इन क्रिश्चियन कंट्रीज, और फिर क्रिश्चियन कंट्रीज के आके अंदर फिर यहां कहते हैं शरिया इन्फोर्स करनी है। एक क्वेश्चन किया गया मुझसे कि व्हाई ऑल ऑफ दिस मुस्लिम्स दे आर कमिंग टू क्रिश्चियन कंट्रीज, दे हैव नो प्लान टू इंटीग्रेट, अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं, ऊंची ऊंची अजाने भी दे रहे हैं, फिर अपने कंट्रीज के अंदर शरिया इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यूरोप में और अमरीका में कहते हैं हमने यहां शरिया लगानी है। मैं इसका जवाब नहीं दे सका बिल्कुल। 2 बिलियन मुसलमान है, साइंस से नफरत, सिविलाइजेशन से नफरत, इंग्लिश से नफरत, इंसानों के साथ मिलकर रहने से नफरत। सिर्फ 2 ही पॉलिसियां, या मुसलमान हो जाओ नहीं तो गर्दन उतार देंगे, ऐ पॉलिसी। सही बात, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। बात तो सही है, दोनों चढ़ा के नहीं, इधर चढ़ा रहा इधर आ जाओ। टोटल पॉलिसी सिर्फ एक, कहते या इस्लाम, या गर्दन लो आलो, जो इस्लाम जो मुसलमान है उन्होंने पता नहीं इस्लाम की चाहना है।